मध्य प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास औद्योगिक मंत्री सचिन यादव के मुख्य आतिथ्य और राजस्व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की अध्यक्षता में राजगढ़ कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में जिले में जय किसान फसल ऋण माफी योजना किसान सम्मान समारोह के द्वितीय चरण का शुभारंभ बुधवार को किया गया। कार्यक्रम में मंच अतिथियों द्वारा 12 किसानों को किसान सम्मान पत्र दिए और उनका कर्ज माफ किया। द्वितीय चरण में राहतगढ़ तहसील के 1840 किसानों के 13,27,00,000 रुपये के ऋण माफ किए गए। द्वितीय चरण में सागर जिले के कुल 22,000 किसानों के 158,60,00,000 रुपये कर्ज माफ किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि फसल ऋण माफी योजना के प्रथम चरण में जिले के 50,886 किसानों के 156,00,000 रुपये 21,00,000 रुपये के ऋण माफ किए गए, जिसमें राहतगढ़ तहसील के 4,332 किसानों के 11,72,00,000 रुपये फसल ऋण शामिल थे। कृषि मंत्री सचिन यादव ने अपना उद्बोधन जय जवान जय किसान के नारे के साथ शुरू किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक साल की अवधि में जनता से जो वादे किए थे उसमें 365 वचनों को पूर्ण किया है, जबकि सरकार को 9.5 माह का समय कार्य करने के लिए मिला है। आगामी 4 सालों में किसानों और लोगों की उम्मीदों की आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। उन आदेशों का स्वाक्षर पालन करने का काम आदरणीय साथियों करेंगे और हमारे और माननीय गोविंद सिंह जी के साथ मिलकर के हमारे विभाग से जो भी हो सकेगा, जो भी उनके निर्देश होंगे, जो भी उनके आदेश होंगे, उन आदेशों को पालन करेंगे और हम दोनों भाई मिलकर के हमारे इस राहतगढ़ के किसान साथी इस राहतगढ़ विधानसभा को भी एक आदर्श विधानसभा के रूप में विकसित करने का हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। जैसी नगर में और हमारे बिलेरा में अब तरह तरह समझ को मिल जाए थोड़ा थोड़ी, तीनों के लिए हम आपसे, हमने कृषक संगोष्ठी भवन की मांग की थी, मगर आज देखो आप लोग नोटशीट लिख के ले आए, हम आवेदन नहीं ले आए, और सारी नोटशीट मंत्री जी को देंगे और इनसे आग्रह करेंगे कि हमारे क्षेत्र में एक कृषक संगोष्ठी भवन बने, ये हमारा सारे किसानों की तरफ से आपसे आग्रह है। तो आप, हम चाहेंगे जब बोले तो कृपा करके हम लोगों घोषणा कर दे, हमारी ताली जाए दुगनी बच जाएगी। एक और ये अभी जो कुछ चीजें आपको लगती हैं इनकी संख्या बढ़ाने की बात आई है, एक चैप कटर बढ़वा दें, सीड ग्रेडर बढ़वा दें और पावर स्पेयर, ये 4-5 चीजें बढ़ाने की मांग आई है, तो ये भी आपसे हम चाहते हैं कि बढ़ाएं। और मेरा पुनः सभी लोगों से आग्रह है कि आपको अपने गांव का ध्यान रखना है, गांव में क्या होना है हम जानते हैं, गांव में बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं। अभी पानी आएगा, गर्मी आएगी, सो पानी की चिल्ला शुरू हो जाने, बरसात आ, जैसी नगर में और हमारे बिलेरा में अब तरह तरह समझ को मिल जाए थोड़ा थोड़ी, तीनों के लिए हम आपसे, हमने कृषक संगोष्ठी भवन की मांग की थी, मगर आज देखो आप लोग नोटशीट लिख के ले आए, हम आवेदन नहीं ले आए, और सारी नोटशीट मंत्री जी को देंगे और इनसे आग्रह करेंगे कि हमारे क्षेत्र में एक कृषक संगोष्ठी भवन बने, ये हमारा सारे किसानों की तरफ से आपसे आग्रह है। तो आप, हम चाहेंगे जब बोले तो कृपा करके हम लोगों घोषणा कर दे, हमारी ताली जाए दुगनी बच जाएगी। एक और ये अभी जो कुछ चीजें आपको लगती हैं इनकी संख्या बढ़ाने की बात आई है, एक चैप कटर बढ़वा दें, सीड ग्रेडर बढ़वा दें और पावर स्पेयर, ये 4-5 चीजें बढ़ाने की मांग आई है, तो ये भी आपसे हम चाहते हैं कि बढ़ाएं। और मेरा पुनः सभी लोगों से आग्रह है कि आपको अपने गांव का ध्यान रखना है, गांव में क्या होना है हम जानते हैं, गांव में बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं। अभी पानी आएगा, गर्मी आएगी, सो पानी की चिल्ला शुरू हो जाने, बरसात आ, क्या पहले चरण में छूट गए थे वो, या नए सिरे से कर्ज लिया है वो, क्या है? देखिए, प्रथम चरण में हमने मध्य प्रदेश के 20,00,000 से अधिक किसानों का 7,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ करने का,
और प्रथम चरण में उन किसानों को शामिल करने का काम किया था जिनके कालातीत खाते थे, तो जिनके 2 लाख रुपए तक का जिनके ऊपर ऋण था, चालू खाते में 50,000 रुपए तक का जिनके ऊपर ऋण था उनको प्रथम चरण में हमने शामिल करने का काम किया। दूसरे चरण में उन किसानों को शामिल किया जा रहा है जिनके ऊपर 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख तक का जिनके ऊपर ऋण है, जिनके चालू खाते हैं उनको शामिल। साथ ही साथ प्रथम चरण में किसी कारणवश से जिन किसान साथियों के कालातीत खाते थे जो बच गए थे उन किसानों को जो है अभी इस द्वितीय चरण में शामिल करने का काम किया। क्या टारगेट लेके चल रहे हैं कि दूसरे चरण में कितना कर लेंगे, क्या तीसरे चरण की भी आवश्यकता पड़ेगी कि दूसरे चरण में ही सारा वो जितने आपके टारगेट किसान हम सबके कर्जे माफ कर देंगे? हमारे योजना का स्वरूप, उसका दायरा, उसका आकार बहुत बड़ा है, इसीलिए हम इसको चरणबद्ध तरीके से हम लोग इसको लागू कर रहे हैं और जैसे जैसे हमारी तैयारियां होती जा रही वैसे वैसे हम ऋण माफी को का काम करने का प्रयास करें। जी, सागर में एक बार प्याज घोटाला सामने आया था, इसमें संयुक्त संचालक भोपाल से कृषि विभाग ने जांच की थी, उनकी जांच के आधार पर जो है देवरी में FIR भी दर्ज हुई, व्यापारियों पर रेहली भी उसमें प्रस्तावित था कि इन व्यापारियों पर भी FIR हो, लेकिन रेहली में कोई कार्रवाई नहीं की गई और उन पर गबन का आरोप होने के बावजूद भी 7 करोड़ रुपये जारी भी कर दिए, तो रेहली को क्यों छोड़ा जा रहा है? ये कमलनाथ जी की सरकार है, इस सरकार में कोई भी माफिया, कोई भी अधिकारी कर्मचारी अगर किसानों के साथ में, हमारे प्रदेश की जनता के साथ में किसी प्रकार का भी अनियमितता करेगा उसको ये सरकार बख्शने वाली है। आपकी सरकार से माफिया के खिलाफ बहुत जम के काम कर कार्रवाई कर रही है, आपने चिन्हित की है, मंडी में भी माफिया है, सागर मंडी में भी माफिया है, तो विगत 40 साल से जो कब्जा किए हुए आपने, आपको पता है कोई भी विभाग में जो भी माफिया है जो कि हमारे चाहे किसान हो चाहे प्रदेश की जनता को आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम कर रहे हैं, एक भी माफिया आने वाले समय में जो है वो बचने वाला। मंडी में चिन्हित किया आपने? कोई सा भी विभाग हो, चाहे मंडी हो, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे मध्य प्रदेश के हमारे कोई सा भी विभाग हो, हर विभाग में कोई भी इस तरह का माफिया होगा उसकी अब खैर नहीं। मंडी में चिन्हित किया आपने? किए हैं, उसके पे कार्रवाई भी करेंगे। कोई और सवाल करेंगे? तो इसमें जो संचालक थे प्रवीण वर्मा उनको निलंबित कर दिया था, लेकिन रेहली मंडी में ना जांच कराई गई ना कोई कार्रवाई। कहा जा रहा है नेता प्रतिपक्ष का चुनाव क्षेत्र है और उसके बदरस्त उनके बदरस्त वाले जो व्यापारी हैं उनको छोड़ा जा रहा है, किसी का भी क्षेत्र। जब न्याय की बात आएगी, ये सरकार जो है न्याय करने के लिए बैठी है और ये न्याय जो है हमारी सरकार, हम लोग न्याय करने का। और कोई सवाल? बड़े ही दुख के साथ मुझे इस बात का कहना पड़ रहा है कि भाजपा के नेता दलित की लाश पर राजनीति कर रहे हैं। मैं जब उस दलित के घर गया तो उसके पिता ने बताया कि जब मेरे बेटे की अर्थी रखी जा रही थी, उस अर्थी पर यहाँ के विधायक और उनके साथी लोग, भाजपा के कार्यकर्ता लटक गए। वो चाहते थे कि अर्थी जमीन पर रखो और इस लाश पर हम राजनीति करें। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे दलित समुदाय के लोगों के लिए, उन्होंने लड़ के झगड़ के और हमारे जिला प्रशासन की मेहनत से वो अर्थी वहाँ तक गई, फिर शमशान घाट तक, और उसका अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन आज कल मैं देख रहा हूँ कि भाजपा के लोग अभी भी नहीं मान रहे, शिवराज सिंह जी हो, नेता प्रतिपक्ष हो, यहाँ के और नेता लोग हों, सारे लोग सागर आते हैं और दलितों के नाम पर नौटंकी करते हैं। मैं समझता हूँ इस प्रकार की राजनीति बंद होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दलितों को किया है, आगे भी करेगी और पूरा संरक्षण देगी। मृतक की पत्नी ने बयान बदले हैं, वो बीजेपी के साथ जगह खड़ी हैं, कांग्रेस का आरोप। मृतक के पिता और पूरा परिवार समझ रहा है, बहुत समझदार लोग हैं, पत्नी के बारे में मुझे नहीं मालूम। लेकिन जहाँ तक जांच की बात मैं कह देता हूँ कि जाँच हो रही है और जाँच में जो भी पुलिस का अधिकारी दोषी पाया जाएगा हम उसको हटाने में 1 सेकंड नहीं लगा। भाई अब TI को नहीं हटाया गया अभी तक, इतना सब कुछ हो चुका है। जांच होने के बाद में 2-4 दिन में आपको परिणाम मिल जाएंगे, जिसकी गलती है उस पर कार्रवाई होगी। ठीक ठीक, ओके भाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले